हेल्प जोन के यूट्यूब चैनल में स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन रेलवे में जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्टें होती हैं वो कौन सी होती हैं और उनको सैलरी कितनी मिलती है। तो इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो की थी रेलवे के ग्रुप ए के बारे में, मतलब वो कौन सी पोस्टें होती हैं और कौन सी सैलरी थी। इस वीडियो में बात करेंगे कि रेलवे के ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्टों के बारे में और उनकी सैलरी के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि चार तरह की श्रेणियां होती हैं रेलवे में, ए बी सी और डी, जिसमें से जो ए और बी होता है वो गजिस्ट्रेट अफसर्स के लिए होता है और जो सी और डी होता है वो नॉन गजिस्ट्रेट अफसर के लिए होता है। तो जो बी कैटेगरी की देखिए पोस्टें होती हैं, असल में इनकी सिलेक्शन जो होती है वो सी पोस्टों से होती है, मतलब डिपार्टमेंटल जो इसके टेस्ट होते हैं आप लोग उसका टेस्ट देंगे तो आगे फिर आप सी से सीधा बी ग्रेड में चले जाएंगे। और ये कौन कौन सी पोस्टें होती हैं देखिए, जो ट्रैफिक कंट्रोलर सब होते हैं जो कंट्रोल करते हैं, इसके अलावा अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं इंजीनियरिंग के, उन सब के जो बड़े बड़े अफसर होते हैं वो सब आते हैं बी कैटेगरी में। तो अब बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप बी में सैलरी कितनी होती है। तो देखिए सैलरी का जो स्ट्रक्चर था, मतलब सेवन्थ पे कमीशन से पहले वो था, लगभग इनके अलग अलग रेट होते थे। पहले मतलब ये होता कि सबसे पहले आप छोटे पे आएंगे, उसके बाद फिर प्रमोशन जब आप करते जाते थे तो उनका रैंक और बढ़ते जाता था। मिनिमम जो था 5400 था उनका ग्रेड पे, फिर उसके बाद 6600 हो जाता था, फिर 7600 भी हो जाता था, पे स्केल उनका उसी हिसाब से रहता था। मगर सेवन्थ पे कमीशन के बाद आप लोगों को पता ही है कि बेसिक जो था वो बस उसको ही रखा गया, ग्रेड पे ख़त्म कर दिया गया है। रेलवे के जो ग्रुप बी के एम्प्लॉई होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो उनकी सीनियरिटी के हिसाब से ही रहती है, अलग अलग रहती है। जैसे कि मान लीजिए पहली है 53100, सिर्फ उनका बेसिक ही है। इसके अलावा आप लोग जानते ही हैं कि उस पर क्या क्या मिलता है, डीए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, अलग अलग अलाउंस होते हैं। उसके बाद देखिए फिर आगे बढ़ते जाता है, 6600 वाले का कितना हो जाता है, लगभग 67700 हो जाता है। 7600 वाले का देखिए लगभग 78800 हो जाता है। इस हिसाब से रहती है इनकी सैलरी अलग अलग अलाउंस जोड़ के। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए बात करेंगे रेलवे ग्रुप सी की पोस्टों के बारे में कि इनमें सी में कौन कौन सी पोस्टें आती हैं। तो देखिए सी में दो कैटेगरी होती है, एक होती है टेक्निकल की और एक होती है नॉन टेक्निकल की। तो टेक्निकल में हो गया देखिए लोको पायलट हो गया, आपका जूनियर इंजीनियर हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट के, सिविल के हो गए, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के हो गए, सिग्नल वाले हो गए, उसके अलावा फिर एसएससी हो गए सीनियर सेक्शन इंजीनियर अलग अलग डिपार्टमेंट के, जैसे कि सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिग्नल वाले। तो ये आ जाती हैं टेक्निकल में सी पोस्टों में। और दूसरी तरफ होती हैं नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में देखिए सी ए यानी कमर्शियल अप्रेंटिस, टी ए ट्रैफिक अप्रेंटिस, ए एम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हो गया, जी जी हो गया गुड्स गार्ड्स हो गया, एस सी हो गया सीनियर क्लर्क हो गया, ई सी आर सी हो गया इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क हो गया, टी सी हो गया टिकट कलेक्टर। तो ये सारी रेलवे की जो पोस्टें होती हैं ये सब आती हैं ग्रुप सी में। उसके बाद देखिए बात की जाए कि रेलवे ग्रुप सी की सैलरी कितनी होती है। तो सेवन्थ पे कमीशन से पहले भी देखिए इनको ग्रेड पे मिलता था, पे स्केल मिलता था लगभग 4200 का मिनिमम, फिर 4600 का आगे मिलता था, 4800 का भी मिल जाता था। और पे स्केल होता था लगभग इनका, मतलब जो बेसिक हो जाता था मिला के टोटल हो जाता था 13500 के आसपास। मगर सेवन्थ पे कमीशन में क्या कर दिया गया कि जो ग्रेड पे था उसको मिटा दिया गया, डीए ख़त्म कर दिया गया और टोटल जो था सिर्फ बेसिक छोड़ दिया गया और एक नए सिरे से डीए स्टार्ट किया गया। तो स्टार्टिंग में अब इनकी जो बेसिक होती है वो मिनिमम कम से कम 35400 के आसपास तो होती ही है, और बाद में सीनियरिटी के हिसाब से और अलग अलग पोस्टों के हिसाब से 44900 तक भी हो सकती है। तो ये सिर्फ उनका बेसिक है, इसके अलावा उनको जो अलग अलग अलाउंस मिलते हैं वो आप लोग जानते ही हैं। जैसे गार्ड हो गया उसको किलोमीटर का मिल जाता है, फिर अलग अलग पोस्टों का जो हाउस रेंट अलाउंस होता है वो मिलता है, डीए मिलता है, फिर जो छुट्टियां होती हैं महीने में जितनी नेशनल उनका पैसा उनको मिलता है, अलग अलग तरह का पैसा जोड़ के सब सैलरी मिल जाती है, मिनिमम 45000 तक तो मिल ही जाती है। उसके आगे उसके बाद मतलब जो एम्प्लॉय मतलब सीनियर होता है तो उसकी उस हिसाब से बेसिक बढ़ती रहती है और सैलरी ज़्यादा होती रहती है। मिनिमम देखिए कम से कम 45000 तो हो ही जाती है, और अगर ज़्यादा सीनियर हो तो 80-90000 तक भी रहती है, खास करके गार्ड की और जो ये लोको पायलट होते हैं उनकी। तो स्टूडेंट्स ये थी रेलवे की ग्रुप बी और सी की पोस्टें और उनकी सैलरी। तो रेलवे से संबंधित किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हेल्प जोन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चैनल पर जाके बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं और वीडियोस को शेयर कर सकते हैं ताकि जानकारी जो है वो बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके।